हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया गेट की। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था, मैंने गेटवे ऑफ इंडिया की बात की थी, तो आज यहाँ हम इंडिया गेट की बात करेंगे, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली में स्थित 43 मीटर विशाल गेट है और यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे किंग्सवे कहा जाता था। दोस्तों, इस गेट का डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। इस गेट का निर्माण 1924 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था तथा 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाला यह स्मारक, जिसका निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम भारतीय विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इस गेट पर यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिक और अधिकारियों के सहित साथ 13,300 भारतीय सैनिकों के नाम भी उत्कीर्ण हैं और यह इंडिया गेट लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ एक दर्शनीय स्मारक है। दोस्तों, इंडिया गेट के आसपास वर्तमान समय में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है और आप यहाँ अगर देखेंगे तो इस गेट के चारों ओर तथा राजपथ के दोनों ओर सुंदर घास के हरे भरे मैदान हैं और जब शाम को इंडिया गेट रोशनी से जगमगाती है तो वहाँ एक भारी भीड़ एकत्र होती है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे राजपथ की, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट होते हुए लाल किले तक पहुँचता है और इसी राजपथ पर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की विविधता लिए हुए विभिन्न राज्यों की झांकियां, विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां तथा भारतीय सेना भी अपनी झांकी निकालती है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में दो और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं और बिना इसकी जानकारी के गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी नहीं होती है। आप तमाम वीडियो में देखे होंगे, इंडिया गेट के सामने एक छतरीनुमा संरचना दिखाई देती है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। दरअसल ये जो छतरीनुमा संरचना है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ इस छतरी के नीचे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और जब इंडिया गेट तैयार हुआ उससे पहले हालांकि ये मूर्ति लगी हुई थी और बाद में यहाँ जो मूर्ति थी इसको हटा करके कोरोनेशनल पार्क में स्थापित कर दिया गया और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जगह प्रतीक रूप में अब ये केवल आपको छतरी दिखाई देती है, ना कि कई अन्य मूर्तियाँ भी थीं और सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ से हटा करके पूरे नेशनल पार्क में स्थापित की गई और उसके छतरी के अवशेष आज हैं। तो हम लोग यहाँ इस जॉर्ज पंचम की छतरी के अलावा अगर इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति की चर्चा ना करें तो शायद इंडिया गेट के बारे में जानकारी पूर्ण नहीं होगी और इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है और यह उन अनाम सैनिकों की स्मृति में जो शहीद हुए, यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों ओर चारों कोने पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है और इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष उस पर चक्र चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये अमर जवान ज्योति यहाँ
इंडिया गेट के महत्वपूर्ण हिस्सों में एक है, जो हम अपनी सैनिकों के सम्मान में उनके वो नमन करने हेतु यहाँ इंडिया गेट पर आते हैं। दोस्तों, हमारे तरफ से तथा हमारे तमाम इस चैनल को देखने वाले मित्रों की तरफ से उन तमाम भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि, और साथ ही साथ जो बाद में भी शहीद हुए इस देश के लिए उनको भी हमारे तरफ से श्रद्धांजलि, और उन तमाम सैनिकों को सल्यूट है जो देश की सेवा के लिए सीमाओं पर तत्पर हैं, उन सैनिकों को भी हमारी तरफ से सल्यूट। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।